सो टुडे टॉपिक इज़ नो योर जीनियस। और जीनियस मीन्स क्या? जो आपको अच्छा लगता है करने में, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसको बोला जाता है कि आप अगर उस प्रोफेशन में अच्छा करते हैं तो आपको बोला जाता है कि यू आर जीनियस। आप जो भी काम करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो करते हैं उससे ये होना चाहिए कि आप जीनियस हो। तो ये कैसे चूज करें कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है? तो पहला तो ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको अंदर के टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा, और वो खुद ही नहीं आता है। उसके लिए आपको सोचना पड़ता है एंड दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या टैलेंट है। तो इसके लिए आप जो जो कर कुछ करना चाहते हैं उसका लिस्ट बनाएं, जो 3-4 प्रोफेशन में भी हो सकता है कि आपका ये माइंड में ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो। तो आप जो जो करना चाहते हो वो सब करो, और फिर देखो कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको वो करना है। तो यही है कि आप अपने टैलेंट को कैसे ढूंढ रहे। तो टैलेंट को ढूंढने का जो तरीका हो गया, उनको आप चूज करें जो, तो उसमें आप ये देखें कि आपका जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप सेल्फ खुद को इम्प्रूव कर पा रहे, तभी उस फील्ड को चूज करें। और इससे आपको जो है वो अच्छा होगा। एक फार्मूला को आप याद रखना, फोकस प्लस डेली इम्प्रूवमेंट प्लस इक्वल टाइम्स जीनियस। ये अगर आप फार्मूला याद रखते हैं, आप इस फार्मूला को अगर अच्छे से समझ पाते हैं तो आप अपने टैलेंट को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। आप अगर इस फार्मूला पे काम करें तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। 4 या 5 सालों में ही आपको देखने को मिलेगा कि लोग आपको, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो कलीग हैं, फ्रेंड है, वो सब आपको ज़रूर बोलेंगे कि यू आर जीनियस। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से याद रखना और इसको समझना भी है। एग्जाम्पल ले सकते हैं माइकल जॉर्डन, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, जो बास्केटबॉल में सुपरस्टार है, लेकिन वो बास्केटबॉल में ही जीनियस क्यों है? उनको बोला जाता है कि जीनियस है क्योंकि उन्होंने 4-5 स्पोर्ट्स में अपना ध्यान नहीं भटकाया। उनको पता था कि उनको क्या करना है, उनको पता था कि उनको बास्केटबॉल खेलना है, और बास्केटबॉल में ही उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया। पर डे प्रैक्टिस की वजह से ही वो बास्केटबॉल के जीनियस कहलाते हैं। अपने टैलेंट को पहचान जाए कि आपको ये करना है, फिर आप उस पर एकदम क्रेजी की तरह काम करें और उसको पॉलिश करें कि आपको मतलब पागलों की तरह उस पर काम करना है। आपको आपने जो भी प्रोफेशन चूज किया, बट उसमें ये भी है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस रहना पड़ेगा। और आप जिस आपको अगर तब भी दिक्कत आ रहा है कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करें, क्या टैलेंट है आप में, तो होता है कि आप में जो है आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन आसपास के जो भी लोग होते हैं, आपके फैमिली, कलीग, फ्रेंड, जो भी है, वो आपको एक हमेशा कोई ना कोई आपकी जो टैलेंट होगी उसकी तारीफ करते होंगे। तो उसी पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं उस पे भी, जो आपको एक हिंट मिल जाता है दूसरों की तरफ से कि आप में ये टैलेंट है, और फिर आप उस पे काम कर सकते हैं। और याद रखें कि काम करते करते आपको ये नहीं भूल जाना है, इसके लिए आपको जो है वो टू बी मोर प्रोडक्टिव, रिलैक्स एंड हैव मोर फन, आपको ये भी अपने ध्यान में रखना है। आपको अपने काम के साथ साथ आपको ये भी करना होगा तो आप अच्छा कर सकते हैं। काम के बीच में रिलैक्स करना, वैकेशन पे जाना, कहीं घूम के आ जाना, इससे जो है आपका माइंड जो है वो हल्का होता है, और आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका मन लगता है। आप फन काम करते करते फन जोक मारना सबके बीच में, और फिर सब हंसे उस पे, ये सब आपको अच्छा फील देता है कि आप काम करते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे आपको हेल्प मिलता है आगे बढ़ने से, और आपका काम करने में आपको मन भी लगता है। इवन इफ़ यू टेक 20-30 मिनट्स पर डे एवरी डे फॉर योर सेल्फ, तो इससे ये है कि आप एक बेटर पर्सन बनते हैं, बेटर कलीग बनते हैं, एंड आपका जो है खुद का, आप खुद के लिए भी अच्छे बेहतर महसूस करते हैं जब आप अपने लिए पर डे 20-30 मिनट्स निकालते हैं तब। एंड अब ये था, इसमें 2 टॉपिक था इस वीडियो में। फर्स्ट, नो योर जीनियस, अपने टैलेंट को पहचानो, उस पर काम करो, और जो फार्मूला मैंने बताया है उसको भी आपको देखते रहना है और उस पर ही काम करना है। फोकस प्लस सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस टाइम इक्वल्स, एंड देन जो है आपको इस सब के साथ साथ प्रोडक्टिव, रिलैक्स एंड फन तरीके से इस सबको करना है, ताकि आप काम में भी आगे बढ़े, आपका काम करने भी मन लगे, और अच्छा भी लगे, काम का आपके पे प्रेशर ना पड़े। इसलिए तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, और ये जो लेसन था, ये जो टॉपिक था, वो अगेन द ग्रेटनेस गाइड बुक से ही था, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और रोबिन शर्मा ने इसे बताया है, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने वीडियो के थ्रू, और अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, और मन हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।